बात करते हैं सर्दी की, और सर्दी की बात आती है तो अपने आप जहन में माउंट आबू का नाम आता है। माउंट आबू में फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया, जिसकी वजह से सुबह के समय मैदानी इलाकों और कारों के छतों पर बर्फ की परत देखने को मिली है। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वही सर्द हवाओं ने माउंट आबू के सामान्य जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। माउंट आबू घूमने आए पर्यटकों से बातचीत की संवाददाता कमलेश प्रजापत ने आप भी देखे। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी में आज तापमान जमाव बिंदु पर, और मैं नजारा दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त है माउंट आबू की नक्की झील पर, और माउंट आबू की इस नक्की झील पर हल्की सी लालिमा आपको देखने को मिल रही है। जहीं वहां मौसम की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया और शहर के कई इलाकों में यहाँ पर बर्फ की परत देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुबह के समय लोग जो है यहाँ मौजूद है वे सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर चाय की चुस्कियों का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए। सर माउंट आबू में आज कैसी ठंड है? गुलाबी ठंडी है। वैसे भी मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय में भी ऐसा लग रहा है ठंडा आ रहा है, क्योंकि इतनी बढ़िया मौसम है और वी आर एवरी इन दिसंबर कमिंग फ्रॉम दिस राइट नाउ। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, एक युगल मेरे साथ यहाँ पर खड़ा है, उनसे बात करते हैं। मैडम अहमदाबाद में कैसी ठंड है और माउंट आबू में कैसी ठंड है? यहाँ उसके मुकाबले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस ठंड को लेकर के? बस अभी गुलाबी ठंडी में चलने निकल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग वॉक की आपने? मॉर्निंग वॉक के बाद चाय भी पी होगी। कैसे आनंद कैसा है आज का इस मौसम का? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, कभी भी नहीं भूल पाएंगे ऐसा। हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर कैसी ठंड है माउंट आबू? मैं तो बोलूंगा गुलाबी ठंड नहीं है, कड़ाके की ठंड है, एकदम ठंड है, बढ़िया है। उसके लिए मॉर्निंग वॉक में निकले थे कि ठंड का आनंद ले, और सच में मजा आ रहा है। आज बोल रहे हैं कि बर्फ की परत छप गई है, छम जम गई है, तो सच में ऐसा ही लग रहा है कि एकदम हम भी जम गए। इसी के लिए पूरा एकदम आया है, लेकिन फिर भी मौसम का नज़ारा लेने के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाला पर्यटक माउंट आबू के इस मौसम का यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ पड़ोसी राज्य गुजरात में ऐसा कोई पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र नहीं है, जिसकी वजह से माउंट आबू का खासा महत्व रहता है, और माउंट आबू के इन वादियों में आकर इस गुलाबी सर्दी का यहाँ पर मजा लेने के लिए लोग यहाँ पर माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। वहीं तापमान में जहाँ आज गिरावट नजर आ रही है, तो लोग सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ साथ अलाव का यहाँ पर सहारा लेते हुए नजर आए। सहयोगी जितेंद्र अग्रवाल के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू सिरोही।